कि लगातार कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा हमको एक चिट्ठी मिली कि कांग्रेस प्रभारी महोदय और बिहार के कांग्रेस जन चाहते हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान पे जन अधिकार पार्टी का सहयोग मिले। मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा। मैं कांग्रेस प्रभारी को धन्यवाद देता हूं। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई घंटों, मेरी बिहार के संदर्भ में मेरी बातचीत हुई, लेकिन अभी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि बिहार के हित में देश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, सिंधु बॉर्डर की जो परिस्थितियां हैं, लगातार किसानों पर हमला, लगातार मौत, लगातार नफरत, दूरी करने का तब मारा, मतलब गाली भी हम सुने, दुनिया का निर्माण भी बिहार करे, मेहनत भी बिहार करे, दुनिया को रास्ते भी बिहार दिखाए, दुनिया के जीने का संस्कृति का रास्ता बिहार दिखाए, लेकिन जब हमें जीने की बारी आए तो हम लाश के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे, जूते चप्पल के अलावे कहीं भारत में कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ अपमान मिला। उसके बाद सरकार की चुप्पी, भारत सरकार की चुप्पी, आसन झा तीन हत्या के बाद लगातार अभी भी वहां पर लोग फंसे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं, राजनीति हो गई, लेकिन जब अररिया में मदद करने की बारी आई तो पप्पू यादव को जाना पड़ा। 50,000 रुपया जन अधिकार पार्टी की ओर से मृतक परिवार को और जितने मजदूर वहां पर फंसे हैं सारे परिवार को 10,000 रुपया उस परिवार को लाने की। केंद्र सरकार मौन, बिहार सरकार मौन। क्या बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं था? क्या बिहार सरकार के पास चार्टर प्लेन नहीं थी? जब 100 करोड़ का बांस बल्ला लग सकता है, 100 करोड़ का घंटा लगा सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, तो आदमी की जिंदगी बचाने के लिए क्या आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते थे? क्या आप चार्टर प्लेन नहीं भेज सकते थे? क्या बिहारियों को नहीं ला सकते थे? क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष मछली मारेंगे, विपक्ष धान के खेत में खड़े होंगे। मैंने जीवन में इतना कमजोर आज तक के इतिहास में, इतना बुजदिल, इतना झूठ, इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पर नहीं देखा। जाहिलपन की बे इंतहा, वो स्कूल दिखाते हैं ट्वीट करके। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।